चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मूंगफली यानी कि पीनट, और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है, काफी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। मैंने गैस को कर दिया ऑफ और अब हम पैन से मूंगफली को निकाल लेंगे। आगे की प्रोसेस के लिए मैंने इसमें चने की दाल को डाला। पैन हमारा सफिशियंटली गर्म है, फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी। चने के दाल को भुनने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसे मूंगफली के साथ मैंने रोस्ट नहीं किया है। जितना मैंने मूंगफली लिया था उतना ही मैंने चना दाल लिया है। दोस्तों ये 2 बड़ा चम्मच है, मूंगफली भी हमारी 2 बड़े चम्मच थी। चना दाल भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इससे भी काफी अच्छे से खुशबू आने लगी है और साथ ही इसका कलर भी आप देखेंगे चेंज हो चुका है। तो मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसको हम फिर से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको करना है मुझे ब्लेंड, तो ब्लेंड करने के लिए मैं मूंगफली और दाल को मैं जार में डाल लूंगी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, जो कि मैंने 2 खड़ी हरी मिर्च ली है, 2 ग्रीन चिली और कुछ लहसुन की कलियां मैं इसमें डाल दूंगी। लहसुन से भी चटनी का टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। साथ ही डाला कुछ अदरक जिसको मैंने चॉप कर लिया है, नारियल। दोस्तों यहाँ पे मैं सूखा वाला नारियल यूज कर रही हूँ, इसकी जगह आपके पास फ्रेश नारियल है तो उसका भी प्रयोग करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं यहाँ पे डालूंगी इमली, जो कि लगभग 2 बड़े चम्मच इमली मैंने लिया है। इसकी जगह अगर इमली का पल्प आपके पास है तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इमली जो है हमारी, उसके अंदर बीज नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। और इसमें अब हम डालेंगे नमक, जो कि स्वादानुसार रहेगा, तो मैं यहाँ पे लगभग 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे पानी, जो कि मैं 2 चम्मच डालूंगी। दोस्तों अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फर्दर इसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर देंगे। अभी मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला है और अब किया ढक्कन को बंद और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और एक बार फिर से इसको ब्लेंड करेंगे। चटनी हमारी ये बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका रेडी है। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं इसका एक फाइन पेस्ट तैयार है। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने चढ़ाया है गैस पे एक पैन, और पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और इसमें डाल देंगे अब 1 चम्मच बनारसी राई। और अब इसमें डाला कड़ी पत्ता। अब इस तड़के को मैं चटनी के ऊपर डाल दूंगी। वाओ, बहुत ही अच्छी सी एक एरोमा आ रही है, साथ में दिखने में भी हमारी चटनी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है।